सोमवार 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर संकल्प संस्था की पहल पर झरिया के व्यवसायी सुमित खेतान, उनकी धर्मपत्नी नेहा खेतान, मोटिवेशनल स्पीकर ने राइफल शूटिंग खिलाड़ी धनबाद की कोनिका लायक को राइफल खरीदने के लिए 51,000 रुपए की आर्थिक मदद की। मौके पर संकल्प संस्था के विवेक गुप्ता, रोशन, करण तिवारी, संतू गिरी, अमित मौजूद थे। महिला दिवस पर मिले सहयोग के बाद कोनिका का राइफल खरीदने का सपना पूरा हो गया। 10 मीन रेंज की राइफल की कीमत 2,67,00,000 रुपए की व्यवस्था सभी के सहयोग से पूरा हो गया। कोनिका ने सहयोग राशि देने वाले सभी समाज सेवियों, सामाजिक संस्थाओं, बिल्डर, व्यवसायियों का आभार जताया है। कोनिका को सर्वप्रथम संकल्प संस्था की टीम विवेक गुप्ता, सौरभ, रोशन सिंह, सादाब खान से सहयोग मिला। इस टीम ने फेसबुक पर आर्थिक मदद की अपील जारी की। फेसबुक के माध्यम से कोनिका तक सहयोग राशि आना शुरू हो गया। व्यक्तिगत तौर से सिंह मेंशन से सिद्धार्थ गौतम की धर्मपत्नी मिनी गौतम ने सहायता राशि प्रदान की। इसके उपरांत मदद के हाथ बढ़ते गए। संकल्प संस्था के विवेक गुप्ता, उनकी टीम, जीवन सहयोग संस्था, युवा संगठन संस्था, समाज सेवी रमेश पांडे, उत्तम सिन्हा, बिल्डरों में 99 बिल्डर, अलौकिक बिल्डर, एलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर आदि ने सहयोग दिया। कोनिका ने बताया कि 4 साल के अथक प्रयास के बाद राइफल खरीदने का सपना पूरा हुआ। 2017 से ही आर्थिक मदद के लिए भाग दौड़ कर रही थी। 2017 में तत्कालीन खेल मंत्री अमर बावरी से मिली। मंत्री ने आश्वासन जरूर दिया पर राइफल खरीदने के लिए राशि नहीं मिली। स्थानीय सांसद एवं विधायकों के भी केवल आश्वासन ही मिला। कोनिका ने बताया संकल्प संस्था की टीम का बहुमूल्य योगदान रहा, जिनकी मदद से लोगों तक बात पहुंची और लगातार मदद के हाथ आगे बढ़ने लगे। कोनिका ने बताया उनकी पसंदीदा राइफल जर्मनी से परचेज करनी होगी, कंपनी को ऑर्डर करना होगा। 20 दिन के उपरांत राइफल उन तक पहुंचेगी। कोनिका आगामी 11 मार्च को चांदमारी में होने वाली 5वीं ईस्ट जोन चैंपियनशिप में भाग लेंगी। चैंपियनशिप के दौरान विभिन्न राइफल कंपनियों के द्वारा लगने वाले स्टॉल से भी संपर्क साधेंगी। राइफल शूटिंग के क्षेत्र में कोनिका अब तक कई चैंपियनशिप में भाग लेकर गोल्ड मेडल जीत चुकी है। कोनिका का सपना इंडिया टीम में शामिल होना और ओलंपिक गेम्स तक पहुंचना तथा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना है। जो मेरी आर्थिक मदद, राइफल के लिए जो आर्थिक मदद चाहिए वह पूरा हो चुका है। और मैं नेहा मैम को और सुमित सर को, मैं और विवेक भैया, सौरभ भैया, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि मेरी इस लक्ष्य को पूरा करने में जो मेरी आर्थिक परेशानियाँ आ रही थी उन लोगों ने बहुत मदद करके और मेरी हौसला को बढ़ाया, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। ये जो राइफल लेना है वो यहाँ धनबाद में अवेलेबल है या बाहर से लेना है? नहीं, ये राइफल जर्मनी से आता है और ये कंपनी वाले लोग से कांटेक्ट करते हैं और वो जर्मनी से राइफल मंगाते हैं, फिर वहाँ से। ये कॉस्ट कितना है? 2,66,000। तो अब जो चूँकि ये राइफल आपको मिल जाएगा तो फिर अब किस तरह से आगे बढ़ेंगे, कौन सा प्रतियोगिता जो है अभी आपको करना है पूरा? अभी तो मेरा 11 तारीख को ईस्टर्न वाला मैच है, राइफल आने में कम से कम 20 दिन लगता है, तो नेशनल मैच आने वाला अप्रैल में, तो मैं इस राइफल से नेशनल गेम खेलना चाहूँगी। और जो एम है आपका वो कहाँ तक का है? मेरा एम है ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना ताकि मैं अपने देश के लिए कुछ कर सकूँ। अवसर भी आज महिला दिवस है तो क्या कहेंगे अपने जैसे और जो लड़कियां हैं या जिन्होंने मदद किया है उनको? मैं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है इससे मैं ये कहना चाहती हूँ कि कभी भी कोई भी संघर्ष हो हार नहीं मानना चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी संघर्ष, कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए लाइफ में, लेकिन कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि कठिनाई तभी आती है जब लाइफ में हम कुछ अच्छा करते हैं या हम सही रास्ता चलते हैं, तभी लाइफ में कठिनाई आती है, इसलिए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए। क्योंकि हम सही रास्ता चलते हैं तो अच्छे लोग भी मेरे साथ आते हैं मेरी मदद करने। विवेक जी हैं, उनका किस तरह से योगदान आपको? विवेक भैया बहुत मदद किए मेरे लिए, इनका जो संस्था है संकल्प संस्था है वो पहले आए मेरी इस मेरी मदद के लिए, और फिर भैया लोग से बात करके ये आगे पूरा कांटेक्ट करते रहें दूसरों से भी कि मेरी मदद करें, उनका बहुत बहुत सहयोग रहा मेरे लिए।
काफ़ी समस्याएं थी। देखिए सबसे पहले तो मैं सोनू जी को ये फेसबुक में डाले थे, तो इसके द्वारा मालूम चले कोनिका जी जो अनुराग नंबर रहती है। और सबसे पहला अच्छा दिन आज महिला दिवस है। सुमित जो मेरा दोस्त है ये अपने हाथों से इनका जो 51,000 अपने तरफ से लिया गया और इनका जो भी था आज से सब खत्म हो गया है, मतलब जितना इनको ज़रूरत था पूरा हो गया। मैं पूरे टीम सौरभ जी भी लगे हुए थे, सोनू जी भी लगे हुए थे, मैं हम लोग यही कोई भी चीज़ बड़ा नहीं होता है। आज बढ़ चढ़ कोयला माफिया धनबाद में कितना बड़ा बड़ा कोयला माफिया है, कोई आगे बढ़ के आए एक व्यवसायी बढ़ के सामने आया है। पैसा सबके पास है, दिल होना चाहिए, ठीक है, पैसा तो सब कमाता है, बोले दिल वैसा नहीं होने। आज ये अपना काम धंधा छोड़ के ये उनकी वाइफ आई इनको मदद की है, ये तो अपना काम में जा सकते थे, तो इनका दिल होना चाहिए। इनके लिए कोई सामने नहीं आया, जितना भी हम लोग यंग ब्लड जितने भी हम लोग हैं संस्था का, हम लोग मिल के कोई बड़ा बिल्डर कोई इनको मदद नहीं किया गया, जितना संस्था है हम लोग दो चार संस्था मिले। आज सुमित जी का बहुत बड़ा योगदान है, हम जब हम लोग जो NGO जो लॉकडाउन में खाना खिलाए हैं इसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो और भी जो खिलाड़ी होंगे जिनको भी इस तरह की मदद की जरूरत होगी, तो विवेक और विवेक की पूरी टीम हमेशा तैयार रहती है। आप तो देख सकते थे लॉकडाउन में सबसे पहला खाना खिलाना हम स्टार्ट किए थे, 90 दिन लास्ट दिन तक हम खाना खिलाए, अब पूरा स्टेशन घूम घूम कर खिलाते थे। तो ऐसा बात नहीं है, जब जिस की जरूरत पड़ेगा हम लोग का संकल्प संस्था हमेशा सबके लिए खड़ा है। और मैं इनको कोनिका जी को यही बोलना चाहूंगी कि देश का नाम रोशन ऊंचा करे और जीत क्या है हम लोग पर पूरा सहयोग इनके साथ है। मदद की इनको ज़रूरत थी, वो तो हमें सब चीज़ के ज़रूरे ज़रिए न्यूज़ हो मीडिया हो सबके ज़रिए पते चली। हम मेरे हस्बैंड ने बताया, फिर हम लोगों ने डिस्कस किया, और क्योंकि कहीं ना कहीं एक लिंक हमारा हो जाता है कुछ कि हम लोग सामाजिक तो है ही कुछ, हम जब इस चीज़ के ऊपर में फोकस करें कि जिसको ज़रूरत है उसके ऊपर ध्यान देनी चाहिए। हम लोग जाते हैं मंदिर जाते हैं मस्जिद जाते हैं चर्च जाते हैं इतना डोनेट करते हैं, पर वो डोनेशन सही जगह जा रहा है या नहीं जा रहा है उससे बढ़कर होता है। जिस इंसान का हमें पता है इसे मदद की ज़रूरत है उसको मदद नहीं करते ये सोच के कि पता नहीं ये झूठ बोल रहा है ये बंदा नाटक कर रहा है, पर इनका तो साफ दिख रहा था। यहीं पर मदद करना ज़्यादा ज़रूरी है, इससे बढ़कर भगवान कोई नहीं है। भगवान धरती पर है या नहीं यही भगवान है, हम लोग भगवान से मिले हैं या नहीं यही हम लोग भगवान का कार्य कर रहे हैं। इंसान इंसान का जब मदद करता है तो भगवान ही तब वो रास्ता भगवान का निकलता है। क्या आप शुभकामनाएं देंगी इनको किस तरह से आगे? मेरी क्या पूरे हिंदुस्तान की शुभकामनाएं यही है, हम सब की शुभकामनाएं यही है, ये जीत के आएंगी हमारा सबका नाम रोशन करेंगी, ये जीतेगी तब हम सब जीतेंगे। आज हम सब जो जुटे हैं इनके लिए इसीलिए जुटे हैं कि ये जीते, इनसे ही हमारे बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी। आज हम इन्हें प्रेरणा देंगे तब हमारे बच्चे भी देखेंगे कि हाँ इतना आगे हमें बढ़ना है। जिंदगी में अगर हम हिम्मत रखेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, सोचेंगे तो होगा। जब हमारे दिमाग में वो ख्याल आ सकता है, हम लोग डरते किससे? समाज से। समाज से नहीं डरिए क्योंकि समाज ही हमें आगे बढ़ता हुआ देख के जय जयकार करेगा और समाज ही हमें पीछे देख के थूथू करेगा। तो ये सोचना चाहिए कि ये समाज से नहीं डरना है, आगे बढ़ना है। मैं भी छोटे छोटे चीज़ों से डरती थी, आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी बेटी को लेके मैं बहुत स्ट्रगल खुद भी करती हूँ, मेरी बेटी को थोड़ा सा चलने में इशू है, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती हूँ क्योंकि समाज को फेस करने में जो हम लोग डरते हैं वो डर मन से बस निकालने का देर है। ये सोचिए ये समाज ही सपोर्ट करेगा, आज इनका हम सपोर्ट किए हमारा भी कोई करेगा। हमारी वैल्यू हम खुद घटा देते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बोला 100 का नोट हो वो रास्ते में गिर जाए उसमें धूल लग जाए पैर से कुचल दिया जाए लगेगा कि ये खराब हो गया है, पर उसकी क्या वैल्यू कम होती है जब हम कुछ लाने जाते हैं? बिल्कुल नहीं होती है। उसी तरीके से हमारे खुद की वैल्यू हम कम कर दे क्या सोच के, अरे हमें तो ये कमी हो गई वो प्रॉब्लम हो गई। दिन में 24 घंटे धीरू भाई अंबानी के पास भी थे, सुभाष चंद्र बोस के पास भी थे, वही 24 घंटे साइंटिस्ट के पास भी थे, बड़े बड़े साइंटिस्ट, और हमारे पास भी वही 24 घंटे। हम लोग 24 घंटे में क्या सोचते हैं, टाइम नहीं मिला करने का, टाइम निकालेंगे तो हो जाएगा। अभी मोटिवेशनल की आपने किस तरह का प्लेटफॉर्म चुना है, किस तरह से लोगों तक आप पहुँचते हैं? मेरा मैं YouTube में जो मोटिवेशनल स्पीकर का एक चैनल है जिसमें मैं मोटिवेट करती हूँ लोगों को। आज के ज़माने में सबके पास सब कुछ है, जो है सब लोग उससे खुश है, पर निराश क्यों हो जाते हैं? सामने वाले के पास क्या है, मेरे पास क्या कमी है, और जो उनके पास कमी है उससे वो निराश होकर ऐसे दुखी हो जाते हैं जैसे कि बस उनके पास में कुछ भी नहीं है। भगवान ने अगर गम दिया है, गम दिया नहीं है, भगवान ने दी है खुशियाँ, गम हम चुन चुन के लाते हैं, और अगर हम लोग फोकस करेंगे तो हमारे लाइफ में बहुत खुशियाँ हैं, और खुशी को ही आगे बढ़ा बढ़ा के चलेंगे तो लाइफ रास्ते का साफ होते चले।